बागेश्वर जिले में गलघोटू बीमारी के कारण 8 बच्चों की मौत के बाद बागेश्वर जिले की स्वास्थ्य सुविधा पर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। 8 बच्चों की मौत के बाद भी प्रदेश सरकार का इस बीमारी पर संज्ञान न लेना भी ग्रामीणों को नागवार गुजर रहा है। यहां बता दें कि कनलगढ़ घाटी के गाँव में फैली गलघोटू बीमारी के कारण 7 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में काफी शोर मचने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जांच टीम गाँव में भेजी थी, लेकिन गत दिनों गरुड़ के एक गांव में भी गलघोटू बीमारी के कारण बच्ची की मौत से स्वास्थ्य विभाग व प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान लग गया है। स्वास्थ्य विभाग ग्रामीणों को इलाज मुहैया नहीं करा पा रहा है, जबकि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को मुआवजा नहीं दे सकी है, जिससे लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इधर जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने गलघोटू बीमारी से प्रभावित परिवारों को इलाज नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। जिस तरीके से गलघोटू बीमारी हमारे जिले में विभिन्न ग्राम सभाओं में हो रही है और जिसके वजह से आज यहाँ पर 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, इसके बारे में मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर को ज्ञापन दिया हुआ है, जिसके लिए मैंने गलघोटू बीमारी की रोकथाम के लिए अतिशीघ्र स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए वहाँ पर एक ज्ञापन दिया हुआ है और इसी की मैंने प्रतिलिपि अपने जिलाधिकारी महोदय को भी इसकी प्रतिलिपि मैंने भेजी हुई है। जैसे कि आज देख रहे हैं कोरोना के काल में इतनी महामारी चल रही है और इस महामारी में जो है यह एक गलघोटू जो बीमारी आई है यह भी एक चिंतनीय विषय है, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। कोरोना से तो आज जिले में मात्र 3 मौतें हुई हैं, लेकिन ये गलघोटू से 8 मौतें हुई हैं, जिसकी ओर प्रशासन का ज़्यादा ध्यान नहीं है, जबकि इस पर एक शोचनीय विषय है। अगर यह बीमारी बढ़ेगी तो यह भी एक महामारी का रूप ले सकती है। अगर इसमें अतिशीघ्र जिला प्रशासन के द्वारा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो यह भी एक बहुत बड़ा महामारी का रूप ले सकती है, जिसके लिए हमने चिकित्सा अधिकारी को जगह जगह पर जाकर शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया हुआ है और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इसमें जो है शासन प्रशासन का साथ दें और इस बीमारी के लड़ने के लिए हम लोग भी अग्रसर रहें। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।